अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिरा अर्शद। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि जो आज़ादी मार्च था मौलाना फजल रहमान साहब का, और जो आज़ादी मार्च को ख़त्म करना और जो धरने की को ख़त्म करने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये सवाल है कि क्या इसमें मेन किरदार किसका था? अब हुकूमत का है, या हम बात करें जो हुकूमत के इत्तेहादी थे पहले उन्हें थे कहें या है कहें, यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा तजाद आ रहा है कि शायद कुछ दरारें पाई जा रही है। और यहाँ पर खासतौर पर जब हम बात करें कि चौधरी बरदरान, अब चौधरी बरादरान के जरिए क्या आजादी मार्च अगर हम देखें और ये जो ऐलान किया गया था और जो धरना किया गया था, ये क्या हम कह सकते हैं कि उनकी जानब से खत्म किया गया? दूसरी जानब हम ये बात करेंगे कि हुकूमत के हमायती इत्तेहादी की जब हम बात करते हैं, क्या ऐसा कुछ है कि चौधरी बरादरान और हुकूमत के बीच में क्या कोई दरारें पड़ रही हैं, क्या ऐसा कुछ है? उस्मान बुज़दार साहब की भी मुलाकात हुई आज, और उस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ कहा गया? बजाय तो ये जाहिर हो रहा है कि अब जो थोड़ी बहुत उनमें दूरी आ गई है उसको खत्म करने और कम करने की बातें की जा रही हैं या हो रही हैं। अब एक तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम एक नून में भी थोड़ी और हुकूमत में जो है वो दूरी है, पीपल्स पार्टी और हुकूमत में दूरी है, और अब चौधरी बरादरान में भी अगर और हुकूमत के बीच में दूरी हो जाती है तो फिर हुकूमत अगर हम बात करें तो उनके इत्तेहादी कौन होगा? यहाँ पे इत्तेहादी और हमायती की बात है, सवाल निशान है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तीसरी जानब जब हम बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी की, जब हम बात करते हैं अवाम के रिलीफ की, जब अवामी मसाइल को हल करने की बात करते हैं, तो मसाइल जो कि बहुत ही बुनियादी मसला है और वो मसला ये है आलूदगी का। लाहौर में हम देख रहे हैं कि पहले भी ऐसा हुआ कि फजाई आलूदगी फैलना शुरू हो गई, वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया, क्या कुछ इकदाम थे। अब यहाँ पे कुछ नेग्लिजेंसी है जिसको दूर करना है, जिसको खत्म करना है, और यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वो हुकूमत दूर कर सकेगी या करेगी नहीं, क्योंकि एक बार हमने फिर देखा कि फजाई आलूदगी का जो मामला है लाहौर में आ चुका है और लाहौर की आवाम फिर एक बार से हम कह सकते हैं कि मुश्किल का शिकार है। जब हम सेहत के मामला के हवाले से बात करते हैं तो पहले ही अगर प्रिकॉशन ले ली जाए, अगर पहले ही ऐसी तदाबीरें ले ली जाए जब जिससे ये मामला ना हो, आलूदगी ना हो, बीमारियां ना फैले, तो फिर हम एक तरफ से हम ये नहीं कह सकेंगे कि फिर सेहत के मामलों पर भी बहस हो जाएगी और फिर हम ये कहेंगे कि सेहत का जो कार्ड है वो भी ओपोजिशन खेल सकती है। यहां पे बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। हम ये बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी और जो फिजाई आलूदगी है उसको खत्म करने के लिए हुकूमत का क्या किरदार है, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि चले हुकूमत का नहीं लेकिन हम कराची के आवाम का भी देख चुके थे कि कचरे की वजह से किस तरह से वो परेशान थी, और अभी भी एक बार फिर हम देख रहे हैं कि आखिरकार जितने भी केसेस पाए जाए जो कुछ भी हो परेशान आखिरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम ही। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजियाकार इम्तियाज हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे साथ तजियाकार सदीका फैसल साहिबा मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार हमारे साथ फौजिया शाहिद साहिबा मौजूद हैं। इसके अलावा साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे साथ सीनियर तजियाकार सी आर शमसी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहला हम सवाल पूछेंगे इम्तियाज साहब आपसे, और अगर हम बात करें ऑपोजिशन का जो आजादी मार्च था इसको जो खत्म करवाने की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि चौधरी बरादरान का बहुत बड़ा हाथ है इसमें या हुकूमत की कुछ अपनी कोशिशें हैं, आपको क्या लगता है? या ऑपोजिशन अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब की जानब से कोई और उनको ऐसी पेशकश कर दी गई जिसकी वजह से वो थोड़ा बैक ट्रैक हो गए और प्लान बी और प्लान सी की बात की जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ फेस सेविंग का मामला था, क्या कहेंगे इसका? अच्छा, इसमें देखिए क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली दो फैक्टर हैं इसके अंदर ना। एक फैक्टर जो है वो ये था कि बाकी जो दोनों बड़ी पार्टियां पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है उसकी आप कह लें उतनी प्रोएक्टिव या उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं हुई, उन्होंने अपने आप को थोड़ा लिमिटेड रोल रखा। उसमें एक तो यही था कि मजहब की बात ना की जाए, सियासत की बात की जाए, और चूंकि मौलाना जो चूंकि खास तबके को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी बेस जो है वो मजहब, एक खास मसलक है पाकिस्तान के अंदर जिसको देवबंदन बोलते हैं, उसका एक हिस्सा है। ये दो फैक्शन है ना, एक मौलाना समीउल्लाह थे जो फोत हो गए और एक एक ये है। अच्छा, अब एक तो ये वजह बनी कि उसमें उनको बाकी जमातों की पार्टिसिपेशन नहीं हुई, एंड सेकेंड यस चौधरी बरादरान जो हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नो डाउट। देखिए इनकी एक हिस्ट्री है, चौधरी जहूरलाई जो इनके वालिद थे चौधरी शुजात साहब के, आप देखिएगा अयूब खान के जमाने में बड़े इंपॉर्टेंट सियासतदान थे, बल्कि एक स्टेज थी कि उनका गवर्नर बनाने का नाम चल रहा था, वेस्ट पाकिस्तान का गवर्नर बनाया जा रहा था, जब अमीर मोहम्मद खान जो थे वो गवर्नर थे पंजाब वेस्ट पाकिस्तान के, ठीक है। उस वक्त से लेके फिर उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन जो है आप देखिएगा कई बार ये वजीर बने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी रहे कुछ थोड़े अरसे के लिए, और इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो पार्टियां हैं सारी तकरीबन सारी पार्टियों के साथ मिलकर काम किया हुआ है और सिस्टम के साथ भी काम किया, फौजी गवर्नमेंट्स के अंदर भी ये रहे हैं,
ठीक है, जब फौजी गवर्नमेंट से मिनिस्टर मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, और इस लिहाज से इनकी जो इज्जत है, इनका जो वकार है, इनका जो रिगार्ड है, बाकी पॉलिटिकल जितनी भी फोर्सेज हैं वो करती है, चाहे वो किसी सूबे से हो, और इवन मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी भी इनका रिगार्ड करती है। तो अच्छा, इसके अलावा जो सिस्टम है हमारे, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट्स है, ठीक है, अच्छा वो भी रिगार्ड करती है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इनका रिगार्ड है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अफसरान हैं वो जो भी हैं, इनके दौर के अंदर कई लोग हैं जो भर्ती हुए और आप सीनियर पोजीशन पर पहुंच गए हैं, फिर चीफ मिनिस्टर ये पंजाब रहे हैं परवेज इलाही साहब, फिर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, तो इनका एक बड़ा रिगार्ड है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान को उन्होंने कन्विंस किया। एक फैक्टर ये बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करता हूँ कि इनका रोल है उसके अंदर, इन्होंने सही मानों में प्रोएक्टिव होकर पीटीआई गवर्नमेंट, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर जितने भी आप देखें गुजरा मेजोरिटी वो जो लोग हैं जो नए आए हुए हैं, उनकी उतनी जड़े नहीं है सियासत के अंदर, जो टाइम लगेगा टाइम के साथ वो भी हो जाए इस तरह, लेकिन इनकी जड़े हैं, तो इसका काफी फैक्टर ये बड़ा ये आप क्या लेकर फैक्ट हुआ है, और इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस जो इस्तेमाल किया है। यानी कि आपका जवाब हाँ में, और आप समझते हैं कि चौधरी बिरादरान का बड़ा अहम किरदार है, और अगर हम पास हिस्ट्री देखें तो उनका पहले भी बड़ा अहम किरदार रहा है, जब भी हम देखते हैं हुकूमत और अपोजिशन के बीच में एक कहते हैं कि ब्रिज के तौर पर उन्होंने काम करते आए हैं। अब क्या लगता है सादिका साहब आपको इस हवाले से, अगर हम बात करें चौधरी बिरादरान का जो इसमें किरदार है? जी, मेरे ख्याल में चौधरी बिरादरान ने बिल्कुल, मैं पॉजिटिव में जवाब दूंगी कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और पास्ट हिस्ट्री को भी देखते हुए अगर हम नज़र दौड़ाते हैं पीछे तो मुख्तलिफ टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रही थी, उनको इंगेज किया गया मुशरफ साहब के दौर में भी और बाकी बहुत सारे और मामलात में भी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान उन्होंने रोल प्ले किया जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बनी। इस टाइम पे भी अगर हम देखें तो वही एक वाहिद पार्टी या वाहिद शख्सियत, दोनों बिरादरान की अगर हम बात करें तो वो ऐसे वो मौजूद थे कि जो जिनकी रेपुटेशन ऐसी थी कि वो एक तरफ भी वो काबिले एतमाद थे और दूसरी तरफ के लिए भी, और फिर अगर वो इस जब उन्हें ये इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया इस ड्यूटी के लिए तो वो भी एक बार्गेनिंग पोजीशन जिसे हम कहें उस पर आगे, क्योंकि कामयाबी की सूरत में भी अगर वो मौलाना फजल रहमान साहब को मना लेते तो भी वो कामयाब थे, अगर ना मनाते तो भी वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने रोल अपना रोल प्ले किया। ठीक है, फौजिया साहब आपको क्या लगता है उनका किरदार इसमें था, या हम कह सकते हैं कि बस बाहर वो नजर आए लेकिन ऐसा कोई किरदार आप नहीं देखती, क्या आपको लगता है? देखिए, एक तो अगर उनका किरदार मेरे ख्याल में अगर मुख्तसर कहा जाए तो जाहिर है कि उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि क्यों उनकी जरूरत पड़ी। पहले आपने देखा कि हुकूमत अपनी सतह पे मुज़ाकरात कर रही थी और जाहिर है उनकी कोशिश थी कि किसी तरह मौलाना से बात हो, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही थी, बिलआखिर जाहिर है कि उनको लाया गया। एक चीज़ हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए, जिस तरह भी बात हो रही है कि उनके माजी के हवाले से, चौधरी शुजात की जो ज़ात है या चौधरी परवेज़ इलाही, उसके बाद जाहिर है कि उनके अगर कहा जाए तो तकरीबन एक ही समझे जाते हैं, इनके ताल्लुकात हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, कोई आज की बात नहीं है। अभी हम मुशरफ के दौर में देखते हैं कि मुशरफ के दौर में जब हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ जमातों को इकट्ठा करना पड़ा, पेट्रियाट बनानी पड़ी, या उसके साथ साथ हमने ये देखा जब काफ लीग बनाई गई तो वो एक मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपनी एक मुनफरिद जो अलग किस्म की शनाख्त भी अपनी जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराई, और अपना एक मुकाम अलग किस्म का भी बनाया। अभी भी उनका जो किरदार है, जैसे आपने देखा होगा परवेज़ इलाही ने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया है और जिसमें उन्होंने वाजे तौर पे अपना एक आपको बता दिया है कि किस तरह वो अभी इस मौजूदा हुकूमत के साथ उनको किस तरह जोड़ा गया या उनको किस तरह अलाइन किया गया, ये वायरल है और हर जगह मेरे ख्याल में सबने टीवी पे इंटरव्यू उनका देखा है। तो ये एक यहाँ से पता चल जाता है कि उनके रवाबित जो है किसके साथ हैं, किन के कहने पे भी उन्होंने आगे किया है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी अब ढकी छुपी बातें नहीं रही। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये चाहे धरने को कहें चाहे कुछ भी कहें कि बहुत सी बातें खुल गई हैं, बहुत सी बातें आगे आने लग गई हैं, समझ आने लगी है, लोगों को भी समझ आने लग गई है कि मुल्क की सियासत जो है किस तरह होती है, कौन किस तरह आगे गाइड कौन करता है, किस तरह बंदे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो मौलाना का धरना, यकीनन इसमें चौधरी परवेज इलाही का जो किरदार है
وہ اسی میں ظاہر ہے کہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ پوسٹ پہ ہماری بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی اور اس نے ان کا کردار آگے جو ہے کامیاب کروایا ہے. ٹھیک ہے, یہ مذاکرات مجھے آگے بھی چلتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اگر ہم بات کریں پلان سی کی, پلان بی ہوا, پلان سی ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور آگے بھی وہ ذریعہ تنقید کریں گے تو کردار ادا کرتے رہیں گے. کیا لگتا ہے افضل خان صاحب, آپ کو لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں جو حکومت کو مزید مسائل ہوتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں, تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ اپنا کردار ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. ہیرا ارشد, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کا آزادی مارچ نہیں تھا, اس لیے کہ اپوزیشن کی اس میں پارٹیسپیشن صرف سمبولک تھی. وہ آتے تھے ان میں سے اور وہاں پہ ایک تقریر کر کے اور چلے گئے. ٹھیک ہے, ان میں جو آپ کو مسلسل نظر آئے وہ لوگ تھے جو ہارے ہوئے ہیں, جن کو عوام نے اس دفعہ کرسی سے محروم کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عزت سے محروم کیا یا اس روزی سے محروم کیا, اس لیے کہ یہ ان لوگوں کا پیشہ بن گیا ہے. جس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ جی ہم نے دین کے لیے آئے ہیں اور اسلام کے لیے آئے ہیں, تو اس کے تو برخلاف 2017 میں اسی پچھلی حکومت میں یہ لوگ شامل تھے اور اس حکومت نے ناموس رسالت کے خلاف کام کیا. اب دوسری بات بنیادی طور پر یہ تھی کہ سب کو پتہ ہے کہ ملک میں قیاس پیدا کرنے کے لیے ملک دشمن قوتوں نے ان کو فائنینس کیا تھا. اس میں پاکستان کے اندر وہ تجارت پیشہ لوگ جو ٹیکس نہیں دینا چاہتے انہوں نے بھی سنا ہے ان کو, اور یہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں جو لوگوں کو تو موبائل لائنز نہیں کر سکتی, لیکن وہ انہوں نے سنا ہے فائنینس سپورٹ کو کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ جب سٹیم ختم ہو گئی, پیسے ختم ہو گئے, تو وہ واپس اپنی اپنی جگہوں پہ چلے گئے اور انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا ملک میں. البتہ وہ جو قیاس لانا چاہتے تھے وہ نہیں لائے. اور اس میں چودھری برادری, ان کی میری نظر میں بڑی عزت ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی حکومت جو نواز شریف کی تھی, نواز شریف کی حکومت میں جب یہ لوگ حکومت کا حصہ بنے تو ایک سال ڈیڑھ سال تک انہوں نے ان کو وزیر بے محکمہ رکھا, اکرم درانی صاحب کو. تو یہ مولانا فضل رحمان صاحب گئے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سے ملنے گجرات, اور جو ہی یہ خبر آئی تو ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی کہ ان کو ہاؤسنگ کی منسٹری دے دی گئی. بات یہ کہ ان کے اوپر بڑے احسانات ہیں اور انہوں نے یقیناً اس میں پازیٹیو رول پلے کیا ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں سٹیبلیٹی کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, آئندہ بھی آنے والے دنوں میں کردار ادا کرتے رہیں گے. سیر شمسی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو کردار ہے, اگر ہم پہلے اٹھا کے دیکھیں اور آپ دیکھیں آئندہ آنے والے دن میں بھی ہم ان کا کردار دیکھیں گے, کچھ اور بھی معاملات ہیں, لیکن یہاں پہ بظاہر یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید یہ جو اتحادی ہیں یہ اپوزیشن کی کچھ حکومت کی کچھ جو پالیسیز ہیں ان سے نالا نظر آتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا یا دھرنا تھا وہ ایک ڈرامائی تھا, اور ان کی واپسی بھی جو ہے وہ ایک پرسرار کہانی ہے جو آہستہ آہستہ کھلتی چلی جائے گی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے بعض وزراء کا بھی بہت بڑا اہم کردار تھا جو شعلہ بیانی کرتے رہے اور اپنے مخالفین کو تنقید کرنا سب کا حق ہوتا ہے, لیکن ایک جمہوری پارلیمانی لب و لہجا ہوتا ہے جو ہمیں اب نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے کہ وہ ایک نہ استعفیٰ لے سکتے تھے نہ حکومت گرا سکتے تھے کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اس دھرنے سے حکومت کو کمزور کر گئے ہیں. اور آگے چل کر یہ کہانی, اگر حکومت نے اس وقت اس سارے منظر نامے کو, اس کے پیچھے پس پردہ کہانی کو محسوس نہ کیا اور عوام کی طرف توجہ نہ دی جو اصل مسائل ہیں اس وقت, عوام کو اس اشرافیہ کی اس کہانی سے کوئی دلچسپی کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل لوگ, ایسا ہی ہے. لوگ اس وقت شدید مشکلات میں ہیں, مہنگائی کا معاملہ ہے, بے روزگاری کا ایک عذاب ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں بالکل حکومت کے پاس وقت ہے, ابھی اس کا ایک سال ہوا ہے, وہ کام کر سکتی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو اپنی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ اپنا لب و لہجہ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ نہ ہوا
तो फिर एक प्लान डी होगा जो मौलाना फजलुर रहमान का ये मामला है, ये खत्म नहीं हुआ। और प्लान डी क्या हो सकता है? प्लान डी बड़ा खतरनाक होगा, वो डी चोक होगा, और वो मुझे नजर आता है कि उस पर ये काम करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत संभल जाती है, अपने मामला ठीक कर लेती है और अपनी तवज्जो पार्लियामान की तरफ देती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सियासतदानों का किला होता है, वहां सारी कानून साजी होती है, वहां से रास्ते खुलते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की जमातें अपने उस फोरम को बड़ी तेजी के साथ लूज करती चली जा रही हैं, और इस सारे मामले में कमजोर हुई है मुल्क की जमहूरियत, और आवाम जो है उनका जो एतमाद होता है निजाम पर वो जो है कमजोर हुआ है। ठीक है, कमजोर हुआ है। और प्लान डी आप कह रहे हैं कि हो सकता है, और वो प्लान डी चौक हो सकता है, लेकिन वो आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो प्लान डी है भी या नहीं, या प्लान सी के बाद वो रुक जाएंगे और ऐसा कोई मामला हो जाएगा। यहाँ पे अपने दूसरे सवाल की जाने बड़े हैं, हुकूमती जो इत्तेहादियों की अगर हम बात करें, जिसमें मुस्लिम काफ है, हम दूसरी जानब हम बात करते हैं MQM की बात करें, या हम BNP की बात करें, GDA की बात करें, अब यहाँ पे नजर ये आ रहा है कि शायद थोड़ी सी उनको हुकूमती इकदाम है, हुकूमती जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर नाला नजर आती है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। और यहाँ पे ये भी जाहिर हो रहा था कि जब हुकूमत ने जमानती बॉन्ड्स का कहा कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं तो जमानती बॉन्ड्स हैं, उसमें भी हुकूमत अकेली नजर आई। जो हुकूमती इत्तेहादी थे वो इसमें हुकूमत की इस स्ट्रेटजी में, इस इकदाम में वो नाला नजर आए। आखिरकार मामला क्या है? अगर वो इत्तेहादी कोई नाराजगी है या अगर वो नाराज हो जाते हैं तो क्या हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी यहाँ पे सामने नजर आती है? क्या लगता है इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है इन इकदामात और हुकूमती पॉलिसीज अगर कोई नजरसानी करें तो आपको लगता है कि ये कोई नाराजगी है इत्तेहादियों और हुकूमत के बीच में और उसको दूर करने की जरूरत है? जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है ना, उसके अंदर हमेशा ये जो इसको हम कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, तो ये उस तरह का होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टियां शामिल होती हैं, जो छोटी पार्टियां भी होती हैं, थोड़ी बड़ी भी होती हैं, वो जो है उनका अपना नजरिया कायम रहता है, अपने मकासद कायम रहते हैं और अपनी वो इंफरादियत भी कायम रखना चाहते होते हैं। ठीक है, और इस तरह की बातें बात कर डिफरेंस करके वो करते भी हैं ताकि अवाम के अंदर उनका एक ये मैसेज जाता रहे कि वो उनकी जो उनकी हैसियत है वो बरकरार है और एक इंडिविजुअल हैसियत जो है अलग पार्टी होने की। ठीक है, अब रहा सवाल ये कि आप देखिए कि जो पिछली अगर गवर्नमेंटें हमें देखें, PMLN की गवर्नमेंट देखें या पीपल्स पार्टी की 5-5 साल की गवर्नमेंट देखें, उसके अंदर आपने देखा MQM भी उसमें शामिल हुई, फिर उनके इख्तलाफात भी होते रहे, फिर उसके बाद मिलते रहे, फिर खत्म होते रहे। इस सिचुएशन ये है कि MQM को अच्छी खासा शेयर मिल गया हुआ गवर्नमेंट के अंदर, उनकी मिनिस्ट्रियां काफी अच्छी मिनिस्ट्रियां, लॉ मिनिस्ट्री उनके पास और मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास। अच्छा, PMLQ जो है उसमें देखिए बहुत अहम पोजीशन होती है, स्पीकर एक सूबे का वो उनके पास है, फिर उनके पास उनके जो कुछ लोग जो है वो MNA भी हैं, कुछ वजीर भी बन गए हैं उसके अंदर, उनका भी शेयर है। और फिर ये कि तीसरी उनके पास ऑप्शन क्या है इस वक्त, देखिए ना तो इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट बनने जा रही है, ना पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनने जा रही। पीपल्स पार्टी जो है सुकड़ के एक सूबे की पार्टी रहेगी, बल्कि सूबे के अंदर भी आप नहीं कहेंगे, वहां भी आप देखें कराची और हैदराबाद को निकालना पड़ेगा, इंटीरियर सिंध की बात है जैसे अभी अपना अफजल साहब ने कहा। तो इस लिहाज से इनके पास कोई चॉइस नहीं, लेकिन ये थोड़ी बहुत डिफरेंस थोड़े बहुत कहीं ना कहीं आप देखिए हुकूमती पार्टी के अंदर जो वज़रा बैठे हैं जैसे फवाद चौधरी हैं वो डिफर कर जाते हैं ओपनली, ठीक है, प्रेस के सामने आके कहते हैं जी कि नहीं भेजना चाहिए था, कैबिनेट ने फैसला किया। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि कैबिनेट के अंदर डिफरेंस होते हैं जब डिस्कशन होती है, डिबेट होता है, लेकिन जब वंस कैबिनेट फैसला कर लेती है तो सारी कैबिनेट उसके साथ होती है, लेकिन इसके बावजूद देखें आपके डिफरेंट व्यूज आते रहते हैं। तो इसको आप नॉर्मल लें, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा थ्रेट फॉर द टाइमिंग नहीं है। थ्रेट क्या है? थ्रेट है महंगाई। अगर आवाम को रिलीफ ना मिला अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है 30 जून 2020 तक, अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलता है, कीमतों का कंट्रोल नहीं होता है, बिजली के रेट कम नहीं होते, गैस के रेट कम नहीं होते, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होती, तो फिर थ्रेट है, फिर आवाम आएंगे उसके अंदर, मैं बता दूं, और उस वक्त थ्रेट ज्यादा होगा। और अब चूंकि ये आंखें खोल दी है हुकूमत की, इसके धरने ने मौलाना फजल रहमान का जो धरना था, इसका एक पॉजिटिव पहलू यह है कि गवर्नमेंट जो है अब हिल गई है थोड़ी सी ना, अब उसको इससे सीरियसली देखना पड़ेगा और देख भी रहे हैं मेरा ख्याल है, जो बयान की हद तक जो सामने आ रहा है अभी प्रैक्टिकली सामने कुछ नहीं आ रहा है। जराए कुछ ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम काफ की जानिब से उनका ये कहना है कि जो बड़ा मसला है वो बड़ा मसला गवर्नेंस का है, लेकिन हुकूमत के जो तरजीहात है, हुकूमत जो ज्यादातर उनकी जो तवानाई है और जो उनकी तवज्जो है वो पकड़ धकड़ में मसरूफ है। मैं एक ऐड कर दूं, देखिए बात यह कि सूबा सबसे बड़ा सूबा पंजाब है इस वक्त पाकिस्तान का, चले जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, अब उसके अंदर जो बुजदार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया उसको रिव्यू करना, ठीक है वो उस बात पर हम दोबारा आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें सादिका साहब, आपको इस हवाले से
क्या लगता है, आपको लगता है कि कोई टफ टाइम हो सकता है या कोई खतरा हो सकता है नवाज शरीफ के मामले पर, जो बाहर जाने का मामला था सेहत की बुनियाद पर उस पर जरा से नाला नजर आए हैं जो इतिहादी जमाते हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत उनको मना सकेगी या ये सिर्फ बजाहिर नजर आ रहा है या थोड़ा बहुत दिखाना होता है कि हम हुकूमत की कुछ पॉलिसीज के हम उन पे सवालिया निशान रखते हैं, क्या लगता है आपको ऐसा? ये मेरे ख्याल में हमारी सियासत की एक रविश रही है कि इस तरह के जब भी मौके आते हैं उसमें जो इतिहादी जमातें होती हैं वो अपने इख्तलाफात जाहिर करके अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए एक गोल्डन चांस होता है। लेकिन हुकूमत को चूंकि इस चीज की रियलाइजेशन मेरे ख्याल में हो गई होगी जो कि उनके बयान से लगता है और वड़ाई साहब ने भी ये बात की, उनको जब एहसास अगर हो गया हुआ और वो डिलीवरी की तरफ अगर जाते हैं कि गुड गवर्नेंस नजर आती है हमें उनके नियर फ्यूचर में जो उनके फैसले होते हैं उन सब में, तो ऑब्वियसली उनके लिए आसान होगा निकलना, अदरवाइज उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है और बिल्स असेंबली में कोई पास नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारी मुश्किल हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इतादियों को लेकर चलना ये सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है और अगर नहीं लेके चलते तो आपको लगता है कि खतरा हो सकता है कोई? एक्जेक्टली आपको लगता है कि खतरा हो सकता है? यहाँ पे अगर हम बात करें खतरा है या नहीं है गवर्नेंस की, यहाँ पे बात करते हैं और जब हम बात करते हैं पकड़ धकड़ की तो क्या हुकूमत की तरजीहात और फोकस ज्यादा किस पे? फौजी साहब इस पे आप क्या कहेंगे, कोई खतरा हो सकता है आपको लगता है? देखिए बीबी, अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो ये महज इत्तफाक है या उसको क्या कहना चाहिए, कुछ भी आप उसको नाम दे दीजिए, कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज है सिर्फ ये एक ऐसी हुकूमतें बनी है दो दफ़ा जिसमें दो तिहाई अक्सरियत आई है, बाकी हमने ये देखा है कि वो इतिहादी मुख्तलिफ जमातों को मिला के हुकूमतें बनती रही हैं, चाहे वो मुशर्रफ के दौर में देखें चाहे अभी जरदारी के दौर में देखें, तो ये इस तरह हुकूमतें बनती रही हैं और इनके इसी तरह के हमने बार बार देखा। अभी ज़ाहिर है कि ऊपर प्रेसिडेंट मुशर्रफ बैठा था लेकिन नीचे क्या होता था कि MQM जो है हर दूसरे रोज़ जो है कुछ अपने मतालबात लेके आती थी और इस्तीफे देने लग जाती थी और ये एक प्रेशर जो है टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अभी भी जो है चूंकि इस वक्त जो धरना हुआ है उसके बाद एक हलचल जो है वो हुकूमत में मची है और अब वो जमातें भी समझती हैं कि उनके कुछ ऐसे मफादात जो जाहिर है कि कल को उन्होंने इलेक्शन में जाना है, सबसे बड़ा मफाद तो उनका ये है कि वो जो प्रॉमिस करके जो वादे करके आई थी वो सब जो महंगाई के हवाले से था या अवामी जो मसाइल की तवज्जो दिलाने वाले उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब वो इस मौके से फायदा उठाते हुए वो अपनी तमाम जमातें जो है अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए वो प्रेशर टैक्टिक्स जो है इस्तेमाल कर रही है। अभी अगर ये हम कहें कि फौरी तौर पर कोई इसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा तो वो मैं नहीं समझती के कोई फौरी तौर पे पड़ेगा, लेकिन ये जो जमाते हैं जो इत्तेहादी जमाते हैं ये अपनी जो प्रेशर है वो रखेंगी, ठीक है, करती रहेंगी, मुख्तलिफ औकात में करती रहेंगी, सिर्फ उन्होंने इसको यानी कि नॉर्मल लेना चाहिए आपकी नजर में, वोटर को उन्होंने यकीन दिलाना है कि हम बिला शुबा हुकूमत में है लेकिन हम आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो है वहाँ बैठ के हुक्म जो हुकूमत है उसका सिर्फ आलाकार नहीं बने हुए बल्कि हम आपकी बात कर रहे हैं, कल को उन्होंने वोट लेने जाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें जो बहुत अहम चीज है और मैं हमेशा ये समझती हूँ कि आवाम के लिए बेहतर है और वो ये है कि आवाम को बहुत सी जो हकाइक है वो सामने, ठीक है, सामने आपका जवाब नहीं, मैं आपको लगता है कि बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे नहीं है लेकिन जरा सा ये भी प्रेजेंट करवाना है, रिप्रेजेंट करवाना है कि हम हुकूमती आलाकार नहीं है, हम आवाम की भी बात करते हैं और कुछ हुकूमती पॉलिसीज में इकदाम में इख्तलाफात हो सकते हैं। अफजल खान साहब आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? फौजिया शाहिद ने कहा कि बात यह है कि ये आवाम को और अपने वोटर के लिए कुछ करते हैं हालांकि ये भी यहाँ पे रही हैं इक्तदार के ऐवानों में और हम भी ऐसे मौकों को इस्तेमाल किया जाता है अपने मफादात के हसूल के लिए, किसी ने फैक्ट्री का लाइसेंस लेना है, किसी ने असले का लाइसेंस लेने हैं, किसी ने मुलाजमतें लेनी है, किसी ने फंड्स लेने हैं, काश इनको वोटर भी याद होते। तो ये निज़ाम हकीकतन ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव निज़ाम नहीं है और मैं आपको एक चीज अर्ज करूंगा कि गुज़श्ता किसी भी हुकूमतों में से किसी को भी वोटरों का ख्याल रहा है? हार्डली जो 2/3 मेजॉरिटी वाले थे वो भी मस्नूई मेजॉरिटी थी और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ा ली है और बाहर जो फ्लैट्स और बाहर जो उनके पास अब पैसे हैं जिनका भी वो हिसाब नहीं दे सकते। अच्छा बाहर ये जो हम जो अपोजिशन की पार्टीज की बात कर रहे हैं वो लोग जो अवाम की इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और मेरी ख्वाहिश यही है कि उनको चाहिए कि जो महंगाई है वो उसका
पॉइंट आउट करे और उसका वे फॉरवर्ड दे के इसको कैसे कम किया जा सकता है और उसमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करे, बजाय ये कि कयास पैदा करे। कयास पैदा करने से और भी नुकसान होगा आवाम का और खासकर जो गरीब से गरीब तरीन लोग हैं। और बात यह है कि एक चीज याद रखें कि जब हुकूमत में कोई पावर में होता है तो उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता। हाँ ठीक है, वो अपना कोशिश करते हैं और ऐसे मौके को, जैसे मैंने आपको आपको अभी अभी मिसाल दी थी कि एक डेढ़ साल उन्होंने बगैर मिनिस्टर के पोर्टफोलियो के उनको रखा वजीर पे महकमा, लेकिन जो ही प्रेशर पड़ा और उन्होंने उसको एक्सप्लाइट किया तो उन्होंने उसको वजारत भी दे दी। तो बात यह है कि ये इस वक्त जब एक दफा इलेक्शन हो गए, और मैं एक और चीज बताऊं कि एक डेढ़ साल में मैं इलेक्शन देखता हुआ नजर मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, इलेक्शन मिड टर्म होगा, इलेक्शन मिड टर्म होगा, लेकिन उससे पहले इनको चाहिए, ये अगर अपोजिशन है तो इन अपोजिशन को चाहिए कि जब ये इक्तदार में थे उस वक्त तो इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं की। अभी हुकूमत को जो हुकूमत ने भी वादा किया था कि हम इलेक्शन रिफॉर्म लेकर आएंगे, अब उनको ऐसे रिफॉर्म करवा लें ताकि जब दोबारा इलेक्शन हो तो उसके रिजल्ट के बाद वो इस तरह के धरने ना दें। ठीक है, धरने ना दें, लेकिन वो हम हमेशा से देखते है जब इलेक्शंस होती हैं जो हारी हुई जमात होती है वो यही कहती है कि इसमें धांधली हुई है या ऐसा कोई मसला हुआ है, और वो फिर खैर ये भी बहस और मुबाहिसे चल जाते हैं। क्या शमसी साहब आपको क्या लगता है, अगर हम इन मामलात को देखें, अगर नाराजगी है या इत्तेहादी जमातों की, आपको लगता है कोई खतरा हो सकता है या ये बस चलता रहता है और ऑन एंड ऑफ ये आगे भी चलता रहेगा? देखिए जी, पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो हमेशा ख़तरे में रहती हैं, और जो ये इक्तदार की कुर्सी होती है ये कभी मजबूत नहीं होती, और जो अगर हुक्मरान समझते हैं कि कुर्सी मजबूत है वो खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, ये तो इस मामले का एक पहलू है और तारीख हमें यही बताती है। दूसरी बात यह है कि आपका जो सवाल था बुनियादी के अपने इत्तेहादी अगर वो नाराज़ हो रहे हैं तो हुकूमत को क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी हुकूमत होती है और जो एक सोच के साथ अगर उन्होंने मामलात चलाने होते हैं, कानून साजी करनी होती है और जो आवाम से वादे किए हुए हैं, और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत जो वादे थे वो उनको बहुत बुलंदियों पर ले गए थे और एक नौजवान नस्ल जो है पूरी उस ख्वाब देखने शुरू किए, वो ख्वाब नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि जब नौजवानों के यूथ के ख्वाब टूटते हैं तो फिर मुल्क में अनारकी फैलती है। और ख़तरे की बात मैं हुकूमत के लिए ये समझता हूँ कि उन्हें ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों को और मखलूत हुकूमत बिल्कुल बजा बात की कि हमेशा कमजोर होती है। नवाब अकबर भुट्टी साहब के मुझे याद है, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था जब वो 90 में चीफ मिनिस्टर बने थे बलूचिस्तान के, तो वो कहने लगे कि मुझे सुबह शाम मैं लोगों का क्या काम करूं, मैं तो अपने इत्तेहादियों के जो मतालबात हैं उनकी फरमाइशें हैं वो रात तक वो पूरी नहीं कर पाता। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को असेंबली का रुख करना चाहिए और ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों को इत्माद में लेना चाहिए और अपोजिशन के साथ जो गाड़ी का अहम पहिया होता है उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी होगी। जमहूरियत में ये नहीं होता कि आप बिल्कुल गुफ्तगू बंद कर दें, डेडलाइन पैदा कर दें, ऐसा नहीं। और इसमें मैं आखिरी बात यह करूंगा, जो हुकूमत के लिए आगे चल के खतरा हो सकता है वो मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान जो माजी में कशीदगी थी, तलखी थी, वो खत्म हो चुकी है अब, और वो दोनों जमातें पसे पर्दा बहुत करीब आ चुकी फिलहाल। लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए इतना खतरा नहीं है। नहीं, खतरा तो अब नहीं है कोई ऐसे, क्योंकि कोई भी जमात हुकूमत साजी में दिलचस्पी नहीं रखती। मुल्क के जो बुरान इस वक्त शदीद बुरान है, मईशत का बुरान है, सरहदों की सूरत हाल देखें, मसला कश्मीर को आज 110 दिन हो चुके हैं, जबर की रात हो चुकी है, तो असल मसला पीछे चला गया है। मैं समझता हूं कि हुकूमत वक्त को और तमाम सियासी जमातों को इस तरफ तवज्जो देना होगी, और मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि ये जितना भी दारुल हुकूमत ये जो महलात हैं यहां जो खेल खेला जाता है, आवाम को अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, दिलचस्पी नहीं है। यहां पे हम अपने तीसरे सवाल की जाने बड़े, स्मोक का रोग बढ़ने लगा है, और जब हम बात करते हैं लाहौर की और पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी कचरा, कभी गंदगी, कभी पानी का मसला,
اور یہ تمام مسائل جو ہے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں اگر مہنگائی کو ہم بالکل سائڈ پہ کر دیں. اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو فضائی آلودگی میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے, اور پاکستان اگر ہم کہیں یہ بات کہ کیا فضائی آلودگی کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے, تو ایکچولی سوال نشان یہ ہے کہ شاید ناکام ہوا ہے, کیونکہ لاہور میں پہلے بھی ہم نے دیکھا یہ معاملہ, اور پھر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاملہ فضائی آلودگی کا. حکومت وقت کا آخرکار کردار, اور وہ آخرکار کیا کر رہی ہے, پنجاب حکومت کا آخرکار جو کردار ہونا چاہیے تھا کیا وہ پورا کر رہی ہے. اور یہاں پہ عثمان بزدار صاحب پہ بھی ایک سوال نشان عائد ہوتا ہے. یہاں پہ جو مین بنیادی مسائل ہیں صحت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور صحت کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. جب ہم ماحولیاتی آلودگی کی بات کرتے ہیں, ماحول کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ بہت سوال ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں آخرکار کیا ہے. امتیاز حسین صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں فضائی آلودگی کی, اور بہت بڑا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ, ہم نے ڈینگی اور مزید اور معاملات ہم نے دیکھے گندگی سے بھی بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں, اور ابھی جی یہ معاملہ ہے, حکومت کیا کر رہی ہے اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو. دیکھیے, اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے, میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو مین وجوہات بن رہی ہیں وہ ایک تو یہ پرانی گاڑیاں, ٹھیک ہے, چونکہ شہر میٹروپولیٹن سٹی ہے اور وہاں پہ پرانی گاڑیاں جو اس کو الاؤ کیا ہوا, اور ظاہر بات اس میں ٹریفک پولیس کی جو ہے اس کے اندر یا انوائرمنٹ والے جو ہیں ان کا یہ نیگلیجنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ لیں گے اینٹیں بنانے والے بھٹے جو ہیں, سٹیل ملیں ہیں جو ہے وہ بڑا سموک چھوڑتی ہے. اب ضرورت آ گئی ہے کہ میرا خیال جو اینٹ بنانے والے بھٹے ہیں اس کی ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں انوائرمنٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب اس کی جو مین وجہ وہ تین ہیں, ایک ہے کرپشن, دوسرا انکمپیٹنس, تیسرا ہے نیگلیجنس. اب کرپشن میں یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کے بری طرح کرپٹ ہو چکے, اسپیشلی آپ دیکھیں انوائرمنٹ جو ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان کے اندر وہ کام کر رہا ہے, اور صوبائی لیول پہ تو بہت زیادہ اس کا نیٹ ورک ہے, صوبائی سیکرٹری ہے اس کا, لیکن ہوا یہ ہے کہ ایک تو کرپشن ہے اس کے اندر, وہ مطلب انلیگل گریٹیفیکیشن لے رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے مکمکہ کیا ہوتا ہے, اور وہ اس کو بھی آپ کہہ لیں صرف نظر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پراپر جو ہے آپ کہہ لیں مانیٹرنگ نہیں ہوتی. تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈپٹی کمشنر کے انڈر لگا دیا گیا ہے. ڈگی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہیلتھ والے جو ڈپٹی کمشنر انڈر تھے, اب ڈپٹی کمشنر جو ہے ایک ایڈمنسٹریٹر ہے, ہی از ناٹ ٹیکنوکریٹ, وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی ہیلتھ اسپیشلسٹ نہیں ہے. اسی طرح ہی از ناٹ انوائرمنٹ اسپیشلسٹ. اب ایک ڈسٹرکٹ کا جو انوائرمنٹ آفیسر ہوتا ہے ایک ضلع کے اندر, وہ بڑی اہم پوزیشن ہوتی ہے, اس کے اوپر ہیرارکی صوبائی لیول تک, صوبائی سیکرٹری تک ہے, لیکن وہ رپورٹنگ کر رہا ہے ایڈمنسٹریٹولی لوکلی جو ہے ڈپٹی کمشنر کو. اب ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک جیک آف آل ٹریڈ نہیں ہو سکتا, اس نے پورے ضلع کو دیکھنا تھا, وہ ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر میں تو آ سکتا ہے. اب اس میں یہ ایک تو یہ کہ کمپیٹنٹ بندے وہاں پہ لائے جائیں, کرپشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے. کرپشن ختم کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے, ان کی سیلرین بہتر کرنی پڑے گی, ان کو مطلب اس میں دیکھنا پڑے گا جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے ان کو وہاں سے نکال کے نئے لوگ جو ہے نئے جو فریش گریجویٹس ہیں انوائرمنٹ اسپیشلسٹ ہیں ماسٹر کیے ہوئے ان کو انڈکٹ کیا جائے تاکہ وہ کام کریں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے ان کا پرفارمنس جو ہے, یہ جو مختلف جو فوڈ آئٹمس کو دیکھ رہی ہیں اتھارٹیز جو ہیں, وہاں جو نئے لوگ آئے ہیں وہ باقاعدہ ساری چیکنگ کرتے ہیں, دودھ کی چیکنگ ہو رہی ہے, فوڈ آئٹم جہاں جہاں بنتی ہے مینوفیکچر, اسی طرح کا میرا خیال ہے کہ اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. ریسٹرکچرنگ تمام ڈپارٹمنٹس کی ضرورت ہے, کرپشن کے بھی معاملات ہیں, کہیں نہ کہیں نیگلیجنس ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں صدیقہ صاحبہ کہ یہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے, یا پاکستان اگر ہم بات کریں تو فضائی آلودگی کو ختم کرنے میں یہ ناراض جو ہے یہ ناکام رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں فضائی آلودگی کی بات کریں تو یہ پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے, اور ہم عمران خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی اگر ہم دیکھیں تو جو الیکشن سے پہلے بھی دعوے تھے اس میں بھی اس چیز کو بڑا گلوبل وارمنگ کو اور ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی رہی, جو کہ شاید پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں ان مسائل کو اٹھایا گیا, جس اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا ان کا ساتھ دیا, کہ چونکہ ہمارے لوگ پہلے سے اویئر نہیں ہوتے تھے مختلف مسائل سے, اور جب یہاں پہ اویئرنیس سٹارٹ ہوتی ہے تو اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی بڑی ہوئی تھیں کہ جب یہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں تو یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے, ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہو سکتا ہے کہ ان ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں فائلوں کی حد تک, پیپر ورک کی حد تک بہت سارے کام ہو رہے ہوں, لیکن اگر بظاہر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آلودگی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں بہت سارے ملکوں میں ان چیزوں پہ قابو پایا جاتا ہے, بہت سارے ملک اس چیز میں سکسیسفل ہیں, لیکن پاکستان میں یہ چیز نظر نہیں آتی, نہیں نظر آتی, چاہے اس میں ٹریفک اپنا رول پلے کر رہی ہو, اس میں درختوں کی کٹائی اپنا رول پلے کر رہی ہو, یا کسی بھی طرح کی اور چیزیں ہوں.
लेकिन अमल होता नजर नहीं आता क्योंकि दिन ब दिन लोगों के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से मुख्तलिफ तरह की बीमारियां होती जा रही हैं। तो हुकूमत को संजीदगी से इस चीज के ऊपर भी काम करने की जरूरत है, जो कि बहुत एडवांस में करने की जरूरत होती है। ये जब मसला सामने आ जाए तो उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि एडवांस में इस पर काम करने की जरूरत होती है ताकि ये सिचुएशन सामने ही ना आए। लेकिन अब ये इतना इंटेंस हो चुका है ये मसला कि अब इसको मेरे ख्याल में हंगामी बुनियादों पर इस पर काम करने की जरूरत है। जब हम बात करें तो हुकूमत की जानिब से शजरकारी मुहिम भी रखी गई थी और उस पर भी काम किया जा रहा था। यहाँ पे अगर हम बात करें कि नई टेक्नोलॉजी लानी है, कुछ वहां पे जो फैक्ट्रीज है जिनकी वजह से मसाइल हो रहे हैं, तो क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है, इतने रिसोर्सेज हैं? फौजे साहिबा, देखिए, एक तो सबसे पहले एनवायरनमेंट का जो मसला है मेरे ख्याल में ये इंतहाई संजीदा है, बड़ा अहम सवाल आपने इस वक्त रखा है और मैं समझती हूँ कि शुक्र है कि आप थोड़ा सा सियासत से हटके तो इस पर आपने बात की है। ये जो आलूदगी के हवाले से जब बात करते हैं या कुछ, अभी तक हकीकी मानों में इसकी अवेयरनेस नहीं है जो होनी चाहिए। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी अहम मिनिस्ट्री है जिसने इस वक्त जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं उससे निपटना है, लेकिन हमारी मिनिस्टर साहिबा के बड़े गैर संजीदा बयानात आ जाते हैं जो माहौलियात को डिनाई कर देते हैं। मसलन लाहौर के हवाले से जब बात की जाती है कि यहाँ दुनिया के जो बदतरीन जो शहर है आलूदगी के हवाले से उसमें नंबर वन आ गया, तो ये कहा जाता है कि नहीं, ये जो धरना है इसकी वजह से हो गया है। ये इसको बड़े संजीदगी से एड्रेस करना पड़ेगा। 92-93 में सबसे पहले यहाँ वजारत जो है वो माहौलियात बनाई गई, तो उस वक्त भी हमने उसको इतना गैर संजीदा लिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो ये कहा जाता था ये माहौलियात कोई बना दिया गया है। इसको इतने साल होने के बावजूद इसको संजीदगी से एड्रेस नहीं किया गया। अभी बात होती है खासतौर पे लाहौर की, आज गुजरांवाला, फैसलाबाद की, और बच्चों की भी कल उन्होंने रुख्सत दी गई, तो उसमें ये बात कही जाती है कि ये इंडिया में कोई जो है वो चावल की वो जलाने की वजह से है, ठीक है, या लेकिन ये है कि ये तमाम ममालिक जो है एक दूसरे से कंसल्ट करते हुए माहौलियात के मसाइल को निपट रहे हैं। हमारे जो यहाँ इतनी गैर संजीदगी पाई जाती है कि आपका ठीक है भारत के साथ हमारा है एक, लेकिन भारत से हम बात कर सकते हैं अभी जो सूरत हाल है। देखिए इन इश्यूज पे बिल्कुल बात हो सकती है। जब आप अभी आपने राहदारी जो की है करतारपुर वाली, आपने दोनों तरफ से आए हैं, लोग बातचीत की है, तो ये भी एक ऐसा इशू है कि जिसको आप रीजनली इसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप इसको नजरअंदाज करते चले जाते हैं तो ये आपकी सेहत के हवाले से यकीनन जो भी बात हो रही है बहुत संजीदा है। अभी आप सिर्फ सेहत की ये नहीं होता कि इससे खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, ये जो उसका नेक्स्ट इफेक्ट है कैंसर तक जा रहा है, वो जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है, बीमारियां उस तरह फैलती चली जा रही हैं और मतलब संजीदा बीमारी, ठीक है, ये नहीं कि आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान जो है वो नाकाम रहा है। मैं समझती हूँ गैर संजीदा है, अभी तक हम लोगों में अवेयरनेस, गैर संजीदा है और लोगों को अवेयरनेस नहीं दे सके। अगर भारत के मामला भी देखें तो उसके साथ हम बात कर सकते हैं, बैठ के रीजनल लेवल पर इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कोई पॉलिसीज या कोई स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है जिसमें हम किस तरह से जो पुरानी गाड़ियों के मसाइल हैं, दीगर जो और फैक्ट्रीज के को हल कर सके। अजहर खान साहब, आपको लगता है कि हुकूमत की अब तरजीह होगी आलूदगी को खत्म करने में, फिजाई आलूदगी को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे सेहत का मामला भी आ जाता है। हेरा फौजिया शायद ने बहुत अच्छी बात की, इसमें जिस चीज की कमी नजर आती है वो पॉलिटिकल विल है। बात यह कि सारी दुनिया में कोयले से एनर्जी बनाने की टेक्नोलॉजी खत्म हो रही है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। आपके थ्रू हम तमाम लोगों को बता दें कि केपीके आपका एनर्जी बैंक है, 20,000 फुट से पानी नीचे आता है, आपने जगह जगह सिर्फ टर्बाइन लगाने हैं और आपको 1 और 1.5 और 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपकी बिजली वहां पे प्रोड्यूस हो सकती है और उससे ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। बात यह है कि उस पर तो नहीं जोर दिया गया, लेकिन चाइना से जहां उन्होंने बीजिंग में इसकी सुने हालात थे, उन्होंने वहां पे जो उसको रद्द किया, जो उसको उन्होंने कंडेम किया, वो चीज उन्होंने यहां पे साहिवाल के पास लगाई। बात यह है कि ये पॉलिटिशियंस का अपना मकासद या किकबैक्स के अलावा उनकी
अवेयरनेस या उनकी इग्नोरेंस है। बात यह है कि एक तो हमें पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए, और दूसरा यह कि ये सारी दुनिया का मसला है, उसमें जैसे ट्रंप गैर संजीदा है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन उसके एक होने से चूंकि अमरीका का है उसका भी बड़ा नेगेटिव, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप देखें आपके पास जो भी इस वक्त मेजर सोर्सेज ऑफ ये हैं स्मोक हैं या वो एनवायरनमेंट को जो जहरीला धुआं दे रहे हैं उसको रोकने के लिए इम्तियाज हुसैन साहब ने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ नई टेक्नोलॉजी देनी है। बात यह है कि अगर हमें रिसोर्सेज कैपेसिटी की बात आ जाती है, फिर और बहुत सारी और चीजें हैं, फिर हुकूमती तरजीहात हैं, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं, फिर इसमें कैसे अगर सांस आपका सांस आप सही ना ले सकें वो आलूदा हो ठीक है, तो आपके बच्चे, ये नहीं बड़े जवान हाँ में है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नाकाम हुआ है। बात यह है कि अब तक कामयाबी नहीं हुई, इसमें हमारी थोड़ी सी खुशकिस्मती है कि इमरान खान इस सिलसिले में वो जो सुनामी का उसने कहा था और 1 बिलियन ट्री उसमें थोड़ी सी ये एक हमारे पास पॉजिटिव या एक रे ऑफ होप है, लेकिन उसको ऐसी जो टीम टीम हो कि वो उसको परसू करें और उसको बजाय ये कि हमारे शहर आलूदगी में नंबर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको लगता है कि लग सकता है, यहाँ पे हम वक्त की बात करें कितना वक्त लगेगा, अगर हम बात करें जितनी भी हुकूमतें रही हैं या सूबाई हुकूमतों की बात करें तो इस पे क्यों इतनी नजरसानी नहीं की गई। जब हम जब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं और जापान और चाइना की एग्जाम्पल लेते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा उन ममालिक में काम किया गया, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है, और अवेयरनेस की जहां बात करते हैं तो वहां पे अवेयरनेस की कमी जो है वो कितनी है। शमसी साहब इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बहुत संजीदा मामला है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है इस पर, और पिछले दिनों एक पार्लियामानी कमेटी का इजलास था इसी मसले पे, वहाँ सैयद मुशाहिद हुसैन उसको चेयर कर रहे थे, वहाँ ये मामला आया और वहाँ उन्होंने बिल्कुल वाजिया तौर पर कहा कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, और बदकिस्मती से हम दो जो न्यूक्लियर पावर्स का सूरत हाल देखते हैं दिल्ली से लाहौर तक जो एक आलूदगी है, यहाँ हमने अपने इंसानों की कभी कदर नहीं की, कोई बीमारी से मर रहे हैं, कोई आलूदगी से मर रहे हैं, कोई गुर्बत से मर रहे हैं, इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और मैं समझता हूँ कि ये कोई हम आप तवक्को करें कि उस्मान बुज़दार साहब का कसूर है कि एक साल में वो इस पर काबू पा सकते हैं, नहीं, ये माजी की तमाम हुकूमतों की एक कोशिश ना होना, एक मनसूबा बंदी का दान रहा है, ठीक है, लेकिन अब भी वक्त है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। लेकिन चले आपने अब मौजूदा हुकूमत इसके तरजीहात में है शामिल, जी वो जो जो अभी दरख्तों की बात हुई है ये लगानी चाहिए, और यहाँ मुझे इजाजत दीजिए मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ कि इसमें जरूरत इस बात की है कि अवामी अवेयरनेस की बात है, यहाँ हुकूमतें अपनी जगह, लेकिन लोगों में भी एक शऊर की कमी है, और हम आम आदमी जो आम शहरी हैं वो इसमें एक बहुत जो एक रोल अदा करने के बजाय वो उससे खुद फैला रहे हैं, और हम अगर मुसलमान की हैसियत से बात करें तो सफाई निसफ ईमान है, हम वो निसफ ईमान भी गंदगी फैलाकर खो रहे हैं, और यहां असल बात ये है कि ये सारे जो इश्यूज हैं संजीदा इश्यूज हैं ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि आलूदगी उस वक्त खत्म होगी जब मुल्क से सियासी आलूदगी खत्म होगी, या गुर्बत की आलूदगी है, यहां इस्तेसाल की आलूदगी है, या मेरिट की आलूदगी है, और यहां सबसे बड़ी बात इंसाफ की आलूदगी है, यहां हमें इंसाफ का रंग भी एक ना होगा, और जब हम तहिया कर लेते हैं जिंदा कौमें फैसला करती हैं तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती, हमें सबसे पहले हुकूमत को सारे जो बाख्तियार अदारे हैं उन्हें मुल्क में एक ठहराव की सिचुएशन लानी होगी, फिर इस तरफ बढ़ना होगा, पहले लोगों को जीने का हक देना होगा। और इसके लिए आखिरी बात मैं ये करूंगा कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, और सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमारे यहां वसाइल की जो तकसीम है वो इंतहाई गैर मुनसिफाना है, अशराफिया जो है वो तो एक अच्छे साफ माहौल में रह रही है, अवाम के पास साफ पीने का पानी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के निजाम को फरोख दिया जाए, वसाइल आम आदमी तक पहुंचाए जाए जो इस रियासत का पहिया चला रहे हैं, ठीक है, यानी आप भी समझते हैं कि अभी तक अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हुकूमत की बात नहीं करेंगे, अब एक साल डेढ़ साल में इतना काम करना शायद मुश्किल हो, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह नाकाम रहा है। फौजी साहब इस पर आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जब हम बात करते हैं आलूदगी की तो उसकी बुनियादी वजह बढ़ती हुई आबादी है, ठीक है, कि आपकी जो दरख्त हैं वो कटते चले जा रहे हैं, आपकी जो आलूदगी की और
तमाम तकाजे हैं, चाहे उसको मशीनरी का इस्तेमाल किया, कुछ भी किया, लेकिन बुनियादी वजह जो है वो आपकी आबादी का बढ़ता हुआ जो है वो एक तूफान की तरह बढ़ रहे हैं, उसको जो है रोकना वो भी आपकी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि उस तरफ ज्यादा बुनियादी तवज्जो जो है देने की जरूरत है, बुनियादी तवज्जो देने की जरूरत है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं आलूदगी के सेहत के मामला के हवाले से बात करते हैं, जैसे कि शमसी साहब ने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया कि मुख्तलिफ तरह की आलूदगी, जब हम बात करते हैं इंसाफ की आलूदगी, बेरोजगारी की, और इन सब में भी काम करना है, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। और अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, इतनी ज्यादा चीजें हैं, तो वक्त लग सकता है। और आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि हुकूमत की तरजीहात और क्या पॉलिसीज रहेंगी, खसूसी तौर पर सेहत के मामला, फिजाई आलूदगी को खत्म करने में, या हम जब सफाई सुथराई गंदगी की बात करते हैं तो उसको खत्म करने के लिए हुकूमत क्या कुछ करेगी। और होप सो एक्सपेक्टेड यही है कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही हो। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।